पे हाजिर हुई है यूएस स्टडी वीजा दिया लेटेस्ट अपडेट्स लेके। सो यूएस स्टडी वीजा दिया की रिक्वायरमेंट्स है दिया। अगर तुसी फ्रेश पास आउट हो या ताड़ा एक साल का गैप हैगा तो तुसी विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हो, बट ताड़े इंग्लिश दे विच मार्क्स जेड़े होने चाहिए 65 होने चाहिए। और तो इलावा अगर ताड़ा गैप एक साल तो ज्यादा हैगा तो तुहानू आईएलटीएस दी रिक्वायरमेंट आ। आईएलटीएस दी रिक्वायरमेंट की गल करिए तो 5.5 नॉट लेस देन 5 यूजी प्रोग्राम भी, और अगर तुसी पीजी प्रोग्राम भी जाना है तो 6 नॉट लेस देन 5.5 चाहिए। बट डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना पैटर्न होंगे एडमिशन का। बट अगर तुसी विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर रहे हो तो यह मतलब यह नहीं है कि ताड़ा वीजा नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दें तो उसका वीजे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, नो डाउट एवरीबडी नोज कि यूएसए का जो वीजा है वो इंटरव्यू बेस्ड हैगा वा, दैट्स वाई कई बार 7 बैंड्स वाले भी रिफ्यूज हो जाते और वीजा विदाउट आईएलटीएस वाले भी नहीं आते, क्योंकि ये वीजा ताड़े और ऑफिसर ते हैगा बस, असी सिर्फ तुहानू I-20 और उहदी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। बट अगर ताड़े को आईएलटीएस नहीं हो पा रही है या ताड़े को हुण टाइम नहीं आईएलटीएस करन दा, तो यूएसए दे विच एक होर बेस्ट ऑप्शन है कि तुसी डुलिंगो कर सकते हो। सो डुलिंगो एक्सेप्टेबल हैगी आ। पॉइंट्स की गल करिए 115 नॉट लेस देन 105 होने चाहिए आ, यह भी वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो बेस्ट ऑप्शन डुलिंगो कर लो और अपना टाइम सर यूएसए का स्टडी वीजा अप्लाई करो। सो मोर डिटेली कॉल कर सकते हो द वीजा ऑफिस 90410 90410 से। सत श्री अकाल।